नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सजन निगाहें। साथियों, आज आपको मैं ज्योतिष और वास्तुशास्त्र से संबंधित छोटे छोटे टिप्स दूंगी। यदि आप इन टिप्स को अपनाते हैं तो आपकी पूरी दिनचर्या सुव्यवस्थित, सुचारू और बड़ी खुशनुमा गुजरेगी। आप अपने दिन की दिनचर्या की शुरुआत कैसे करें यह मैं आपको बताऊंगी। साथियों, सबसे पहले तो आपको सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए। यदि आप सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं तो सूर्य देवता का अपमान होता है। सूर्य देव तेज के देवता हैं, इससे आपके तेज में कमी आती है। और यदि आप सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं तो आप देखेंगे कि उस समय का जो वातावरण होता है बड़ा खुशनुमा, हल्का, एनर्जेटिक माहौल और ऑक्सीजन एकदम फ्रेश होती है। तो जब आप कभी भी आप यदि सवेरे उठते हैं, सूर्योदय के पहले उठते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके पूरे दिन पूरी जो दिनचर्या है उसमें आप अपने आप को एनर्जेटिक, खुश मिजाजी और अच्छा हल्का महसूस करेंगे। इसलिए साथियों, मैं आपको यही कहूंगी कि आप सूर्योदय के पहले उठ जाएं। उसके बाद आप जैसे ही आपकी सुबह नींद खुलती है, आप अपने बिस्तर पर उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और अपने दोनों हथेलियों को इस तरह फैला लें। फैलाने के बाद मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बोलूंगी। उस मंत्र को आप ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए। मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगी। मंत्र के शब्दों के उच्चारण के अनुसार आप अपने हाथ के विभिन्न हिस्सों के दर्शन बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम से करें। मैं मंत्र कहती हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तुम गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। साथियों, मैं मंत्र को दोहराती हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तुम गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का अर्थ है, कर के मूल भाग, कर के अग्र भाग में माँ लक्ष्मी का वास होता है, कर के मध्य भाग में माँ सरस्वती का वास होता है और कर के मूल भाग में परमपिता परमेश्वर का वास होता है। आप जब सुबह बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम से अपने हथेली का दर्शन करते हैं तो आप अखिल ब्रह्मांड के दर्शन कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन कर लेते हैं। इसके बाद आप अपनी हथेलियों को चुम लीजिए। चुमने के बाद दोनों हथेलियों को रब कीजिए। रगड़ने के बाद आप अपने चेहरे से लेते हुए पूरे सिर पर हाथ ऐसा फिरा लीजिए। इससे यदि आप अपने हथेलियों को रगड़ते हैं तो इससे एक एनर्जी उत्पन्न होती है और वो परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद स्वरूप उस एनर्जी को जब हम अपने चेहरे से लेके सिर तक फिराते हैं तो हम रिचार्ज हो जाते हैं और हमारी पूरी दिनचर्या एनर्जेटिक गुजरती है। उसके बाद साथियों, आप अपने इष्ट देवता को, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उन्हें प्रणाम कर लीजिए, धरती माँ को प्रणाम कर लीजिए, अपने माता पिता और पितृदेवों को प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाइए, किंतु आप अपने दाहिने पैर को सीधे जमीन पर नंगे पैर मत रखिएगा, क्योंकि आप काफी समय से सोए रहते हैं और आपका एनर्जी लेवल और जमीन का एनर्जी लेवल में काफी डिफरेंस होता है। यदि आप नंगे पैर जमीन को टच करते हैं तो एक अनबैलेंस होता है, एक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, एक झटका आपके शरीर को लगता है, आपको पता नहीं चलता, किंतु इसका आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आप सबसे पहले अपना बिस्तर समेट लीजिए। यदि आप अपना बिस्तर बिखरा छोड़ देते हैं तो आपकी पूरी दिनचर्या अव्यवस्थित गुजरेगी। बिस्तर अव्यवस्थित होने से आपका बुध ग्रह खराब होता है और बुध से आपकी बुद्धि और आपको फाइनेंशियल अड़चन आती है, नौकरी व्यवसाय में अड़चन आती है। बिस्तर समेटने के बाद मैं आपको एक बात बताऊंगी कि आप रात को सोते समय किसी पात्र में जल भरकर उसे ढककर अपने सिरहाने रख लीजिए। बहुत अच्छा हो आप कॉपर या तांबे का पात्र लीजिए और उसमें जल भरकर उसको रख दीजिए। बिस्तर समेटने के बाद आप उस जल को उठाइए, उसमें चुटकी भर हल्दी डालिए और उसे अपने मुख्य द्वार पर छिड़क दीजिए। इसे घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, महिलाएं कर सकती हैं, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। इससे माँ लक्ष्मी का आगमन होता है।
इसके बाद साथियों आप पालथी मोड़कर जमीन पर बैठ जाइए और कम से कम 3-4 गिलास पानी घूट घूट करके सीप सीप करके पी लीजिए। मैं जानती हूँ साथियों एक बार में आप 3-4 गिलास पानी नहीं पी सकेंगे, आपको परेशानी होगी, इसलिए आप स्टार्टिंग में 1-2 गिलास से शुरू कीजिए और उसको 4 गिलास पर ले आइए। आपको यह पानी बासी मुंह बिना ब्रश किए पीना है, जमीन पर पालथी मोड़ कर पीना है और आपको सिप सिप पीना है। जब आप यह पानी पिए तो गेहूं के दाने के बराबर एक चूने का टुकड़ा भी साथ में निकल जाए। इससे इस चूने के टुकड़े के साथ जब पानी अपन पीते हैं तो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल की, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की, पूरे पाचन तंत्र की सफाई हो जाती है। जिस प्रकार हम नाली में, कोई नाली जाम होता है तो उसमें पानी फेंकते हैं तो नाली का कचरा साफ हो जाता है, उसी प्रकार चूने के साथ हम पानी पीते हैं तो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल की सफाई हो जाती है। इसके बाद आप 20 मिनट के बाद, गर्मी का दिन है बहुत अच्छा हो, आप छाछ पी लीजिए, छाछ के पीने से भी पूरे शरीर की सफाई हो जाती है। इसके बाद साथियों आप सबसे पहले पंछियों को दाना डाल दीजिए। तेल चुपड़ी रोटी गाय और कुत्तों को खिलाइए। बहुत लोग कहते हैं मीठी रोटी या रोटी में गुड़ डालकर गाय को खिलाना चाहिए, किंतु मैं कहती हूँ आप रोटी में चुटकी भर नमक डालकर आप गाय को खिलाइए। इससे आपके जीवन की अड़चने परेशानियाँ से आपको मुक्ति मिलेगी। आप यदि लंबे समय से बीमार हैं तो इसमें आपको राहत मिलेगी। उसके बाद साथियों आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, थोड़ी देर टहलना चाहिए और आपको 10 या 20 मिनट ध्यान पर बैठना चाहिए। आप या तो पहले मॉर्निंग वॉक पर जाएं बाद में ध्यान पर बैठें, या पहले ध्यान पर बैठें और बाद में मॉर्निंग वॉक पे जाएं। यदि आप 10-20 मिनट नियमित रूप से ध्यान पर बैठते हैं तो आपके शरीर की सातों कुंडलियां, सातों चक्र जागृत हो जाते हैं और जब ये सातों कुंडलियां जागृत हो जाती हैं तो आपके शरीर का ओरा बढ़ जाता है, आपके शरीर का तेज बढ़ जाता है, आप अपने वास्तविक शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, आपका तादत में परमपिता परमेश्वर से हो जाता है, परम शक्ति से हो जाता है, नेचर से जाता है। और मैं आपको दावा करती हूँ कि यदि आप 20 मिनट नियमित रूप से दिन ध्यान पर बैठेंगे तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, आप जहाँ भी जाएंगे आपके चेहरे में एक ताज तेज होगा और आपको सम्मान मिलेगा। नासा के वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि ध्यान में बैठने से हमारे शरीर के ओरा में वृद्धि होती है, इसलिए आपको ध्यान को रोज नियमित रूप से 20 मिनट ध्यान पर जरूर बैठना चाहिए। इसके बाद साथियों आप स्नान करने जाएं, स्नान के जल में कुछ बूंदे गंगा जल मिला लें और गंगा जल मिला के बाल्टी के पानी में उंगलियों से इस तरह त्रिभुज बना लें। त्रिभुज बनाने के बाद उस त्रिभुज के अंदर ह्रीम शब्द लिखें उंगलियों से। ह्रीम ह से शुरू होता है और ऊपर बिंदु लगाकर ह्रीम शब्द बन जाएगा। इस पानी से आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद यदि आप पूजा करते हैं और उसमें फूल चढ़ाते हैं भगवान को, तो मैं आपको कहूंगी साथियों कृपया करके 1 या 2 फूल ही अपने भगवान को अर्पित करिए और बाकी फूलों को पौधों में ही लगे रहने दीजिए। यदि आप इन फूलों को पौधों में लगे रहने देते हैं तो ये फूल पूरे दिन तरोताजा रहते हैं, ये पूरे दिन महकते रहते हैं और इससे तितलियां और चिड़ियां घर में आती है। मैं तो ऐसा ही करती हूँ साथियों, 1 या 2 फूल भगवान को अर्पित करती हूँ, से सारे फूल मैं वहीं से मानसिक रूप से भगवान को अर्पित कर देती हूँ। पेड़ में लगे हुए, पौधों में लगे हुए वो पुष्प मैं भगवान को मानसिक रूप से अर्पित कर देती हूँ। इससे पूरे दिन वो फूल ताजा रहकर महकते रहते हैं, उनके महक से तितलियाँ और चिड़ियाँ आती हैं जो मुझे बहुत मनोहारी लगता है, मुझे यह बहुत पसंद है। तो साथियों मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, आप सहज रूप से जीवन गुजारना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप लंबे समय तक एनर्जेटिक बने रहे, आपके शरीर में एनर्जी लेवल बना रहे, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नेचर के अधिक से अधिक नजदीक रहिए, नेचर को अपनाइए, नेचर को अपने जीवन में शामिल कीजिए। तो साथियों यदि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा यह वीडियो
पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप यदि मेरा लेटेस्ट वीडियो जल्दी पाना चाहते हैं तो बेल आइकॉन को दबाना न भूले साथियों। आप कमेंट करना भी न भूले साथियों। इतना कहकर मैं अब अगली मुलाकात तक आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।